नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। धार जिले की सागर पुलिस ने गुमशुदा हुए युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश किया। आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। मृतक युवक आरोपी महिला पर गलत नजर रखता था, इसी कारण दंपत्ति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। मृत्युंजय नामक युवक की पत्नी ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट सागर थाने पर दर्ज कराई थी। सागर पुलिस ने जाँच कर हरदा के जंगल से युवक का शव बरामद किया। पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी की निशानदेही पर हरदा के जंगल से युवक का अजला शव व साक्ष्य एकत्रित किए। गुमशुदा युवक के शव की शिनाख्त मृतक के भाई से करवाई गई। मामले की जानकारी देते हुए हेडक्वार्टर DSP मोनिका सिंह ने बताया कि उक्त युवक की गुमशुदगी उसकी पत्नी के द्वारा सागर थाने में दर्ज करवाई गई थी। साथ ही पत्नी ने पुलिस को शक जाहिर किया था कि मेरे पति का परिचित दगड़ू नामक युवक घर आता जाता था, हो सकता है उसी ने पति के साथ कुछ किया होगा। उसी आधार पर सागर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को जानकारी में मामला लाया। मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए दगड़ू को पकड़कर उससे पूछताछ की गई। उसने वारदात कबूल की। आरोपी ने बताया कि मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर मृत्युंजय का गला दबाकर हत्या की है और उसके शव को जला दिया है। जले हुए शव को अपने पितृक गांव के पास के जंगल में फेंक दिया है। उक्त युवक को इसलिए मारा कि वह उसकी पत्नी पर बुरी नीयत रखता था, इसलिए पति और पत्नी ने मिलकर योजना बनाई और पितृक गांव बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति दगड़ू और पत्नी आरती को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए खबर इसके पिलाई दगड़ू और उसकी पत्नी, उन दोनों ने मिलकर जो गुमशुदा था उसकी हत्या की है एवं उसके पैतृक गांव में जलाकर फेंक दिया है। और इसी के आधार पर पुलिस ने उन्हीं के निशानदेही पे अधजला शव जब मतलब प्राप्त किया और उसके आधार पर एविडेंस मिले और इस तरीके से मामले का पूरा खुलासा हुआ है।